ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी के बाहर लगे नारियल पानी के दुकानदार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि नारियल पानी वाला कैसे बकायदा डब्बे में गंदे नाली का पानी भरता है और नारियलों के ऊपर छिड़क देता है। सोशल मीडिया पर जब से वीडियो वायरल हुआ है, लोग भौचक्के रह गए हैं। जानकारी के अनुसार ये दुकानदार लंबे समय से ऐसे ही नारियल पानी बेच रहा था। वीडियो के वायरल होते ही सोसाइटी निवासियों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें, ये मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट के राधा स्काई गार्डन सोसाइटी का है, जहां नाले के पानी से नारियल को साफ करने का वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि अब इस पूरे मामले में पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए दुकानदार को अरेस्ट कर लिया। दुकानदार की पहचान 28 साल के समीर के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बरेली जनपद का रहने वाला है, लेकिन यहां वो काफी लंबे समय से नारियल पानी बेच रहा था। अब ग्रेटर नोएडा के बिसरक थाना क्षेत्र से दुकानदार को अरेस्ट किया गया है। वहीं गंदे और जहरीले पानी से नारियल के ऊपर छिड़काव करने के वीडियो वायरल होने के बाद से सोसाइटी के लोग डरे हुए हैं। टाइम्स नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।